चलिए अब देखते हैं कूलम्स लॉ। जिस तरह ग्रेविटेशन के केस में दो ऑब्जेक्ट या दो मासेस के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उसको न्यूटन ने बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि वो फोर्स कितना होगा, वैसे ही दो चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लीजिए इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा ये कूलम्स लॉ बताता है। इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। तो यही दो चीज़ पर डिपेंड करता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज, और इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें तो नेट फोर्स इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R2। नाउ अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं हम, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस केस में एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 आ जाता है। और ये के जो है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दिस इज़ 1/4π ε0, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, तो ये जो फोर्स बन जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2। तो ये कंप्लीट फोर्स का फॉर्मूला हुआ। और ये जो इसकी वैल्यू होती है के विच इज़ इक्वल टू 1/4π ε0 इक्वल टू 9×10⁻¹। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, डायरेक्टली हम इसको न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये तो इसका हुआ स्केलर फॉर्म। अब फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और, ये जो हमने ये लिखा है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब ये है अगर दो चार्ज फ्री स्पेस यानी एयर में है या वैक्यूम में है तो उस केस में ये जो कांस्टेंट की वैल्यू ये फिक्स होगी। बट यही चार्ज के बीच का मीडियम अगर हम चेंज कर दें, मान लो इसके बीच में अगर ये दो चार्ज पानी में रखे हैं या किसी और मीडियम में रखे हैं एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, तब इन दोनों के बीच जो फोर्स है उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, मान लीजिए ये दोनों सेम चार्ज हैं। अगर ये सेम चार्ज हैं तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस तरफ विद सम फोर्स, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विद सम फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे। अब इस Q1 पे जो फोर्स लगा उसको हम बोलेंगे फोर्स एफ ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब Q1 पे फोर्स टू के द्वारा, वैसे इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे F21, मतलब टू पे फोर्स वन के द्वारा। तो अब इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें, इसका एक्सप्रेशन लिखें, तो F12 हो जाएगा 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2। इनके बीच का सेपरेशन अभी भी R है इसलिए हम इसको R2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, अब इसका डायरेक्शन क्या है, F12 ये लग रहा है इस पे डायरेक्शन कितना है, लेफ़्ट की तरफ है। इसको आप एक यूनिट वेक्टर से हम शो कर सकते हैं, लेट दैट यूनिट वेक्टर इज़ R, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R21। ठीक है, 21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स जिसका डायरेक्शन टू से वन की तरफ है। ऐसे ही हम F21 को भी लिख सकते हैं, F21 का मतलब Q2 पे फोर्स Q1 के द्वारा। तो ये हुआ 1/4π ε0 इंटू Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा, केवल फर्क है इसमें डायरेक्शन का। तो यहाँ हम एक यूनिट वेक्टर दिखाएंगे जो डायरेक्शन बताएगा। इस पे जो डायरेक्शन है फोर्स का टूवर्ड्स राइट, इधर है, तो इसको हम लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ। और यूनिट वेक्टर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका ये मतलब है R12 विल बी इक्वल टू माइनस R21। और इसी से हम इनका फोर्स का रिलेशन लिख सकते हैं, F12 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे।